हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीएस लॉसेट और टीएस पीजीएल सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हां गाइस, टीएस लॉसेट एंड टीएस पीजीएल सीईटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टीएस लॉसेट एंड पीजीएल सीईटी 2021 का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली उसके लिए गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर टीएस लॉसेट एंड पीजीएल सीईटी 2021 दे दिया जाए। उसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे थोड़ा सा जो नीचे स्क्रोल डाउन करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को डेट्स दे दी गई है कि टीएस लॉसेट और टीएस पीजीएल सीईटी का कब एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, फीस दे दी गई है लॉसेट और पीजीएल सीईटी दोनों के लिए कि आपकी कितनी फीस रहेगी कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे आपको बता दिया गया किस तरह से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो अप्लाइंग चार्जेस यानी कि आपका जो फी पेमेंट एप्लीकेशन फी है वो पे करना होगा। देन उसके बाद गाइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपका जो एप्लीकेशन कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप वन पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने गाइस इस तरह से एक जो न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा। देन आपका जो है मोबाइल नंबर आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना होगा। मोबाइल नंबर के बाद आपका खुद का मोबाइल नंबर है, जिस फादर मदर या फिर अगर रिलेटिव का मोबाइल नंबर वो एंटर कर देना है। आपकी जो भी ईमेल एड्रेस रहेगी गाइस वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना रहेगा। ईमेल एड्रेस एंटर करने का स्ट्रीम या कोर्स आपका जो सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, हॉल टिकट नंबर एंटर करना, जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया सारी के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी। और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पेमेंट दिखाई दे रहा, आपको वहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं 800 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज हो चुका है। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग जो हॉल टिकट नंबर है वो भी आपका एंटर कर देना होगा और सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसा वहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों को डायरेक्टली जो पेमेंट गेटवे पे लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने कार्ड से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी भी मोड में आप जो है अपना एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो एप्लीकेशन चार्जेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर भी दे दिया, आप देख सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्या करना होगा, आपको अप्लाइंग चार्जेस यानी कि एप्लीकेशन फी पे करने का सेकंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन गाइस जैसे आप एक बार पेमेंट कर देते तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी दी जाती है, तो सिंपली वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे जो एंटर कर देनी होगी। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का हॉल टिकट नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका गाइस जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे इतनी सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप लोग अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ पे कंप्लीट डिटेल एंटर करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका सिंपली सबमिट कर देना होगा। सो गाइस आई होप कि आपको भी कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी टीएस लॉसेट एंड टीएस पीजीएल सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, कोई भी इशू है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।